बताइए प्रीति दीदी ने। ओ तो आप ना जरूर बताना कि आपको ये स्टोरीज कैसे लगी। स्टोरी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो स्टोरी सुनते हैं। चलो। टीना स्कूल के बाद गार्डन में खेलने चली गई। गार्डन में खेलते खेलते उसकी नजर वहाँ पे एक पेड़ के ऊपर चली गई, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई है और वो कब से चिल्ला रही थी। तो उसे पहले लगा कि शायद बिल्ली खुद ही ऊपर जाके बैठी होगी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और फिर से खेलने लग जाती है। थोड़ी देर खेलने के बाद टीना वापस उसी पेड़ के यहाँ पे आ जाती है और वो देखती है कि बिल्ली अभी भी ऊपर ही थी, नीचे नहीं आई थी, और वहां से वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। टीना को तब पता चला कि बिल्ली काफी समय से ऊपर ही थी और लोगों ने कहा कि वो वहां पे फंसी हुई है। उसके बाद टीना डिसाइड करती है कि उस बिल्ली को मैं नीचे उतारूंगी, इसलिए वो एक सीढ़ी लेके आती है। सीढ़ी लाने के बाद वो धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती है और जैसे ही वो बिल्ली के पास पहुंचती है वो अपना हाथ आगे करती है और बिल्ली को पुकारने लगती है। टीना कोशिश करती है कि वो बिल्ली को पकड़ ले, लेकिन जैसे ही वो बिल्ली को छूती बिल्ली उसे झपट्टा मारती। ऐसा टीना ने 3 से 4 बार किया। जब जब टीना बिल्ली को छूती वो उसे झपट्टा मारती। बिल्ली के झपट्टा मारने की वजह से टीना को बिल्ली के नाखून लग गए और वहां से थोड़ा खून भी बहने लग गया। टीना बहुत कोशिश कर रही थी बिल्ली को नीचे उतारने की, लेकिन बिल्ली काफी डरी हुई थी इसलिए वो टीना के पास आई नहीं रही थी। जैसे ही टीना हाथ लगाती बिल्ली उसे झपट्टा मारती। टीना पूरी कोशिश कर रही थी कि बिल्ली उसके हाथ में आ जाए, इसलिए वो बार बार बिल्ली को बहुत प्यार से पुकार भी रही थी, लेकिन बिल्ली डरी हुई थी इसलिए वो उसके हाथ में आ ही नहीं रही थी। ये सारी चीजें टीना की दोस्त मीना दूर से देख रही थी। वो टीना के पास जाती है और उसे कहती है, टीना तुम ये क्या कर रही हो? टीना कहती है, मैं इस बिल्ली को नीचे उतार रही हूँ। फिर मीना ने टीना से कहा कि टीना तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी हुई है और ये बिल्ली तुम्हें बार बार झपट्टा मार रही है, तुम क्यों उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रही हो? रहने तो उसे वहीं पे। टीना ने मीना की बात बिल्कुल नहीं मानी और वो बिल्ली को नीचे उतारने की कोशिश करती रही। मीना ने फिर से टीना को कहा, टीना तुम नीचे आ जाओ, बिल्ली को वहीं पे रहने दो। टीना ने मीना से कहा कि बिल्ली झपट्टा मार रही है क्योंकि वो डरी हुई है और वो खुद को बचा रही है। बिल्ली को ऐसा लगता है कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी, इसलिए वो झपट्टा मार रही है, वो उसका नेचर है और वो स्वाभाविक है। लेकिन हम इंसान हैं, इंसानियत ये हमारा नेचर है, हमें उसे बचाना चाहिए, वो तकलीफ में है। अगर बिल्ली अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही है तो हमें भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इंसानियत के नाते उसे बचाना चाहिए, इसलिए मैं उस बिल्ली को नीचे उतार के ही रहूंगी। और ये कह के टीना फिर से उसे बचाने लग गई और थोड़ी देर के बाद टीना ने बिल्ली को पकड़ ही लिया और उसे नीचे उतार दिया। बिल्ली तुरंत वहां से भाग गई। मीना ने टीना की काफी तारीफ की और दोनों फिर से खेलने लग गए। तो दोस्तों, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कि कुछ भी हो जाए हमें हमारी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। रिया और प्रिया बचपन के दोस्त थे, दोनों साथ में ही खेलते थे, कहीं जाना हुआ तो दोनों साथ में ही जाते थे, साथ में ही पढ़ाई करते थे और साथ में घूमने जाते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्होंने एक ही स्कूल में और उसके बाद एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। उनकी दोस्ती ऐसे ही बढ़ती चली गई और वो दोनों सेम कॉलेज जाने लग गई। कॉलेज में भी वो हमेशा साथ रहते थे,
साथ में घूमते थे और साथ में ही शॉपिंग और मस्ती करते थे। उनकी दोस्ती देख के काफी लोग जलते भी थे और उसमें एक थी पिंकी। पिंकी को उनकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो हमेशा कोशिश करती थी कि उनकी दोस्ती टूट जाए। वो हमेशा मौका ढूंढती थी कि उनकी दोस्ती मैं कैसे तोड़ूं। एक दिन रिया अकेली कॉलेज आई और इस बात का फायदा पिंकी ने उठाया। उसने रिया से कहा, रिया आज तुम अकेली? उसने कहा, हाँ आज प्रिया की तबीयत खराब है। तब पिंकी ने कहा, रिया तुम्हें पता है प्रिया तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें करती है। कहती है कि रिया बहुत घमंडी है, उसे कुछ नहीं आता और वो पढ़ाई में भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और सारे दोस्तों को कहती है कि रिया हर काम मुझसे ही कराती है, वो कोई भी काम खुद से नहीं करती। ये सब बातें सुन के रिया बहुत चिढ़ गई। उसने पिंकी से कहा, तुम झूठ बोल रही हो, प्रिया मेरे बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकती। पिंकी ने कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, ये सारी बातें प्रिया ने खुद मुझे कही है। रिया ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। रिया बहुत गुस्से में होती है और वो तुरंत प्रिया के घर चली जाती है और प्रिया से पूछती है, प्रिया क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो कि मैं घमंडी हूँ? प्रिया कहती, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती। क्या तुम लोगों को ये कहती हो कि मुझे कुछ नहीं आता और तुम मेरे सारे काम करती हो? प्रिया कहती, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। नहीं तुम ऐसा ही सोचती हो। प्रिया ने कहा, तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई? तब रिया कहती है कि ये सारी बातें तो मुझे पिंकी ने बताई। वो कहती है कि तुम सोचती हो कि मैं घमंडी हूँ। तब प्रिया कहती है कि पिंकी तो है ही ऐसी, वो हर किसी के बारे में बुरा ही बोलती है, वो अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसकी बातों में मत आना। लेकिन रिया बहुत गुस्से में होती है और वो प्रिया से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, हमारी दोस्ती खत्म। अगले दिन प्रिया अकेले ही कॉलेज में आती है। तब उसने देखा कि रिया तो पिंकी के साथ घूम रही थी, हर जगह वो दोनों साथ में ही रहते थे, कॉलेज में, कैंटीन में, पढ़ाई भी वो दोनों साथ में ही करते थे। ये सब देख के प्रिया को बहुत दुख होता था क्योंकि वो मानती थी कि रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है। एक दिन पिंकी और रिया दोनों गार्डन में घूम रही थी। तब पिंकी ने उसे कहा कि तुम्हें पता है कि पूजा तुम्हारे बारे में कह रही थी कि तुम चीटिंग करके पास होती हो, तुम हर एग्जाम में चीट करती हो, इसीलिए तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। तब रिया कहती है, नहीं मैं तो पूरी मेहनत करती हूँ, दिन रात पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। तब पिंकी कहती है, लेकिन पूजा तो कह रही थी कि तुम तो चीटिंग करती हो और तुम एक चीटर हो। ये बात सुन के रिया को बहुत बुरा लगा। ये सब बातें कह के पिंकी वहाँ से चली जाती है, लेकिन रिया वहीं रुकती है और बहुत रोती है। और तभी वहाँ से प्रिया गुजरती है। प्रिया ने रिया को रोते हुए देखा और उसे रहा नहीं गया और वो रिया के पास चली जाती है और रिया से पूछती है कि रिया तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही थी? तब रिया उसे बताती है कि तुम्हें पता है पूजा मुझे चीटर बुलाती है, वो कहती है कि मैं हर एग्जाम में चीट करती हूँ, इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर प्रिया उसे कहती है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत मेहनती लड़की हो, तुम मेहनत करती हो। और पूजा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पूजा मेरी भी तो अच्छी दोस्त है। फिर रिया कहती है, लेकिन पिंकी ने कहा कि पूजा मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। तब प्रिया उसे बताती है कि तुम उस पिंकी का बिल्कुल मत सुनो, वो हर किसी के बारे में बुरा ही बोलती है, उसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती, वो ऐसे ही है और तुम उसकी बातों में आके हर किसी से झगड़ा कर रही थी।
प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पता चला कि वो कितनी गलत थी। प्रिया ने रिया से कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो रिया, तुम हर किसी की मदद करती हो और तुम्हारा नेचर भी बहुत अच्छा है। ये सब सुनके रिया को बहुत बुरा लगा कि उसने प्रिया के बारे में कितना गलत सोचा। प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी। और वो रोने लग गई और उसने प्रिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि प्रिया, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारी बातों में भरोसा नहीं किया और उस पिंकी की बातों का भरोसा किया, मुझे तुम माफ़ कर दो। प्रिया ने रिया को तुरंत माफ़ कर दिया और दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड बन गई। तो दोस्तों, आपने इस मोरल स्टोरी से क्या सीखा? तो हमने ये सीखा कि हमें किसी की बातों में आसानी से नहीं आना चाहिए, हमें अपने दोस्त और परिवार के लोगों पर भरोसा करना चाहिए। वो लोग हमारे करीबी होते हैं, वो हमारा कभी बुरा नहीं सोचते। तो आई होप कि आपको ये मोरल स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे पता है आपको मोरल स्टोरी अच्छी लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलूंगी आपको एवरी वेडनेसडे और संडे, तो आप मेरा वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय बाय।